हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता। आज मैं बनाने जा रही हूँ बाटी, भरवा बाटी कुकर में। तो शुरू करते हैं बनाना। भरवा बाटी बनाने के लिए हमने लिया है आटा, 2 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, नमक। अब हम इन सबको आटे में मिक्स करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम पानी मिला के इसमें इसका डो बना लेंगे। आटे का डो थोड़ा टाइट रहेगा, हम टाइट डो बनाएंगे आटे का। ये देखिए, मैंने आटे को का डो बना लिया है। ये देखिए, मैंने आटे का डो बना लिया। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। बाटी की स्टफिंग के लिए मैंने बेसन का सत्तू लिया है और ये लिया है धनिया, लहसुन, जीरा, हींग और हरी मिर्च। इन सबको मिक्स करने से पहले हम कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे ताकि कुकर गर्म हो जाए, जिसमें हम बाटी को बनाएंगे। कुकर को हमने रख दिया है, इसको हम ढककर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने प्लेट में लिया चने का सत्तू, वन टेबल स्पून सॉल्ट, और ये जो सामान है इसको हम खलबट्टे में कूट लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद उसमें बेसन में मिलाएंगे, चने के सत्तू में हम मिलाएंगे। अब हम इस पेस्ट को सत्तू में मिलाएंगे। और साथ में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल मिक्स करेंगे। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारा स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम इसको भरेंगे। अब हम आटे को छोटे छोटे पीस में निकालेंगे, ऐसे जितनी बड़ी बाटी आपको बनानी है। फिर इसको हाथों से दबा दबा के ऐसा बना के अंदर की तरफ अंगूठे से दबाते हुए, ये देखिए ऐसे ऐसे बना लिया। फिर इसमें हम स्टफिंग करेंगे।
फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, अगर आटा हाथ में चिपक रहा हो तो सूखा आटा लगा सकते हैं, ऐसे दबा लिया गोल करके। ये देखिए ये बन गई बाटी। ऐसे ही हम सारी बाटी को बना लेंगे। ये देखिए बाटी बन चुकी है, अब हम इसको कुकर में डालेंगे। हमारा कुकर गर्म हो चुका है, जो कि मैंने पहले से रखा हुआ था गर्म करने के लिए। अब हम इसमें घी डालेंगे। दो चम्मच घी ये मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बाटी को रखेंगे इसके अंदर। कुकर की सीटी निकाल के कुकर को बंद करेंगे। पांच मिनट इसको पकने देंगे, फिर हम चेक करेंगे पका है कि नहीं, फिर उसको पलटेंगे। लो फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े पक गए हैं, अब इसको हम पलट देते हैं। अब फिर इसको हम बंद कर देंगे पांच मिनट के लिए। आइए देखते हैं। ये देखिए दोनों तरफ सिक चुका है, अब इसको ऐसे ऐसे करके रखेंगे ताकि ये किनारे पर भी, ये जो किनारे हैं ये भी पक जाए। ऐसे करके रखेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और दोबारा से पांच मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे। बीच बीच में इसको हम देख कर चेक करेंगे और इसको घुमाते रहेंगे। इसको बंद करेंगे और हर दो तीन मिनट पर चेक करते रहेंगे। मैं थोड़ा घी इसमें और डालूंगी। ये देखिए हमारी बाटी पकने वाली है। अब हम इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया, हमारी बाटी बन कर रेडी है। हम इसको चोखा के साथ खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।